बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेरी वेलकम यू स्टूडेंट्स टू दिस MCGM VTC ऑनलाइन क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। एंड टुडेज आर टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, यानी कसरों पर आमाल। तो बच्चों, इससे पहले की जमातों में हमने कसरों के बारे में मालूमात हासिल की है। कसर आप अच्छी तरह से समझते हैं। आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर, मरकब कसर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी के पार्ट में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वाजिब कसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वाजिब कसर हम किसे कहते हैं। तो जिस कसर में शुमार कुरिंदा नसब नुमा से छोटा होता है, इस कसर को वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 3/7। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 जो है तो ये शुमार कुरिंदा है। ठीक है, ये छोटा है किससे, नसब नुमा से। नसब नुमा कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसी कसर जिसमें शुमार कुरिंदा नसब नुमा से छोटा होता है, इस कसर को वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर गैर वाजिब कसर। तो जिस कसर में शुमार कुरिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है, इस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5/2। ठीक है, 5/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 ये जो है तो शुमार कुरिंदा है और 2 ये जो है तो नसब नुमा है। ठीक है, तो 5 बड़ा है और 5 जो है तो शुमार कुरिंदा है जो कि बड़ा है, और 2 जो है तो छोटा है जो कि नसब नुमा है। तो हम देखेंगे ये एक गैर वाजिब कसर है। जिस कसर में शुमार कुरिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है, इस कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर बात करेंगे मुरक्कब कसर के बारे में। तो जिस कसर में सही अदद और कसरी हिस्सा दोनों हो, इस कसर को मुरक्कब कसर कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन, अ नंबर हैविंग एन इंटीग्रल पार्ट एंड अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शनल पार्ट। सो हियर वी कैन सी द फ्रैक्शनल पार्ट हियर। 1/3 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, एंड हियर वी आर लुकिंग एग्जाम्पल 1/3। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 अदद से 1/7 है यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हियर इज द इंटीग्रल पार्ट एंड 7 इज द इंटीग्रल पार्ट हियर एंड 1/3 इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, ठीक है, 7 जो है तो ये सही अदद है। ठीक है, और 1/3 जो है तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका ये एक 7 अदद से 1/3 ये एक मुरक्कब कसर की मिसाल हमारे सामने यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम यहाँ पर, और मज़ीद यहाँ पर हम देखेंगे कि गैर वाजिब मुरक्कब कसर की, गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर में तहवील किस तरह से की जाती है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कन्वर्ट 51/7 इंटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, ये गैर वाजिब कसर है, इसे भी मुरक्कब कसर में चेंज करना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंटू मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है तो 51 लेना है। ठीक है, 51 इज़ डिवाइडेड बाय
7, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर लेना होगा। एंड हेयर वी सी दैट 51 इज़ अ डिविडेंट, ठीक है, जिसे आप मकसूम कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। और डिवाइजर 7 इज़ कॉल्ड अ डिवाइजर, ठीक है, तो यहाँ हम इसे मकसूम अलग कहते हैं, ठीक है। याद होगा आपको, आपने इससे पहले पढ़ा है, हम थोड़ा सा रिमाइंड आपको यहाँ पर कर रहे हैं, आपकी जो मेमोरी है उसे हम रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम 7 से 51 को डिवाइड करेंगे तो 7 से हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 49, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 से 49 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 49 को हम माइनस करेंगे 51 में से तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा एक जो डिवाइड करने वाला जो मेथड है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर आप 7 देख रहे हैं, ये एक खारिज किस्मत हम इसे कहते हैं, ठीक है, कॉशन कहते हैं जिसे। और जो 2 यहाँ पर बाकी बचा है वो रिमाइंडर रहता है, बाकी रहता है, जिसे हम बाकी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, आपको याद रखना है ये पार्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, डिवाइजर, कॉशन, डिविडेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 जो है तो कोशेंट है, ठीक है, और रिमाइंडर जो है तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। द कोशेंट इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 2, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, इस तरह से हमें मिलेगा 51/7, यानी कि 7 अदद सही 2/7, ठीक है। तो जो मिक्स्ड नंबर होता है तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे 51 ये न्यूमरेटर कहलाता है, जिसे हम शुमार कुरिंदा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से 7 जो है तो ये डिनोमिनेटर है, जिसे हम क्या कहते हैं, नसबनुमा कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मिक्स्ड नंबर में हम देखते हैं, मिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी मालूमात हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि खारिज किस्मत मुरक्कब कसर बराबर खारिज किस्मत बाकी बटे मकसूम अलैह होता है, यानी कि एक जो मुरक्कब कसर होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब भी तकसीम करते वक्त हम देखते हैं कि बाकी मकसूम अलैह से छोटा आना चाहिए, इस तरह मुरक्कब कसर का कसरी हिस्सा वाजिब कसर होता है, ठीक है। वाइल डिवाइडिंग द रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिवाइजर, दस इन अ मिक्स्ड नंबर द फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तकसीम करते वक्त बाकी मकसूम अलैह से छोटा आना चाहिए, इस तरह मुरक्कब कसर का कसरी हिस्सा वाजिब कसर होता है, ठीक है, याद रखिए इसे आप। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और या मज़ीद हम यहाँ पर बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि मुरक्कब कसर की गैर वाजिब कसर में तहवील करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल जो है तो दी हुई है, इस एग्जांपल को हम यहाँ पर लेते हैं, एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3 अदद सही 2/5 मुरक्कब कसर है, इसकी तहवील शुमार कुरिंदा नसबनुमा की सूरत में हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे, तो किस तरह से करेंगे हम इसे, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल जो देख रहे हैं वो यहाँ पर नंबर हमारा चेंज हुआ है, इस नंबर को हम यहाँ पर करेंगे 5 अदद सही 3/7, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 अदद सही 3/7 है, तो उसे किस तरह से करना होगा हमें,
हमें करना होगा उसे स्टेप आप याद रखिए, 5 + 3/7 = नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर कि 5/1 + 3/7 इस तरह से लेंगे हम इसे। उसके बाद में हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो 5 × 7 + 3 यहाँ पर हमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 × 3 × 7 + 3/7 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 35 + 3/7, ठीक है। 5 × 7 = कितना मिला है, 35 + 3/7, सो आंसर विल बी हेयर 38/7, लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पर थोड़ी एग्जांपल में हमने ऊपर नंबर हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन के साथ में इसे पूरा सॉल्व किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ बातों को यहाँ पर याद रखना है, वो ज़रूरी तौर पर है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हमें याद रखना है बच्चों के सही अददी हिस्से को नसब नुमा से हमें ज़रब करना है और हासिल ज़रब में शुमार कुनिंदा जमा करना है, ठीक है। ये गैर वाजिब कसर का शुमार कुनिंदा होगा, ठीक है, नसब नुमा वही रहेगा। मल्टीप्लाई द इंटीग्रल पार्ट बाय द डिनोमिनेटर एंड ऐड द न्यूमरेटर टू द प्रोडक्ट, द डिनोमिनेटर रिमेंस द सेम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों। कुछ एग्जांपल्स में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 9 उससे लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है स्क्रीन पर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 + 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लेते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा वैसे ही हमने लिया यहाँ पर 7 + 2/5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 7/1 + 2/5 करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर इसे ज़रब करेंगे, 5 और 7 की ज़रब होगी, ठीक है। तो 5 × 7 + 2/5 इस तरह से हमारा स्टेप बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 × 7 = 35 + 2, ठीक है। तो 35 + 2 = 37, 37/5 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है तो गैर वाजिब कसर में तहवील कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और भी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो है तो ये आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर इस तरह से हमें लिखना रहेगा, ठीक है। 7 + 2/5 = 37/5 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है तो एक एग्जांपल और एक ले लेते हैं बच्चों, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम मुरक्कब कसर में हमें तहवील करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर मुरक्कब कसर में तहवील करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो है 30/7, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे कन्वर्ट इंटू मिक्सड नंबर, ठीक है। 30/7 कन्वर्ट इंटू मिक्सड नंबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना होगा इसे, 7 से 30 को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आप देखेंगे कि 7 × 4 = कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 28। और आप देखेंगे यहाँ पर 28 30 में से माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो आपको याद होगा बच्चों इससे पहले हमने जो एग्जांपल आपको बताई थी उस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमें क्या करना रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पर कि जो कोशेंट है वो और जो रिमाइंडर है वो कहाँ आएगा, है ना। तो याद होगा आपको कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। 30 = कोशेंट क्या है यहाँ पर, 4 है,
रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 2/7 है ना, 7 जो है तो डिवाइजर है। तो ये उम्मीद है बच्चों आपको ये ज़रूर से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है तो एक एग्जांपल और एक ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है आपके लिए, आगे आपको खुद हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स यूजिंग फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो है तो कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, कसर की सूरत में उसे लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ़ 9 kg ऑफ राइस इज शेयर्ड इक्वली अमंग 5 पर्सन, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस डज ईच पर्सन गेट, ठीक है। 9 kg चावल 5 लोगों में मसावी बांटें तो हर एक को कितने किलोग्राम चावल मिलेगा, वो हमें देखना है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि 5 लोगों को जो है तो 9 kg चावल दिया जा रहा है, 5 पर्सन गेट 9 kg ऑफ राइस। सो हम देखेंगे यहाँ पर, इसलिए एक आदमी को जो है तो 9/5 kg चावल मिलेगा, ठीक है। सो 1 पर्सन गेट्स 9/5 kg ऑफ राइस, राइट, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम, टू मेक 5 shirts ऑफ सेम साइज 11 meters ऑफ क्लोथ इज नीडेड, हाउ मच क्लोथ इज नीडेड फॉर 1 shirt, ठीक है। एक नाप के 5 कमीज सीने के लिए 11 मीटर कपड़ा दरकार होता है, तो एक कमीज़ के लिए कितने मीटर कपड़ा दरकार होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 कमीज़ के लिए 11 मीटर कपड़ा लगता है ना, ठीक है। फॉर 5 shirts 11 meters ऑफ क्लोथ इज नीडेड और रिक्वायर्ड, सो If we need so for 1 shirt 11/5 meters of cloth is needed, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए जो है तो हमें एक कमीज़ के लिए 11/5 meter कपड़ा दरकार होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे, काफ़ी आसान ही है। अगर हम और एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए प्रैक्टिस सेट 9 में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ईजी फील होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों के आज के सेशन में जो कुछ भी एग्जांपल्स हमने और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 9 से यहाँ पर हल किए, आपको ज़रूर से समझ में आएंगे तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी के जो सवाल हैं आपके लिए ज़रूर से कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू आर सपोज टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, एंड देयर इज आल्सो अ फीडबैक फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।